बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, मैं आज आपको एक्सप्लोर करवाने वाली हूँ साउथ डबलिन के अपार्टमेंट्स, जो कि बहुत ही पॉपुलर है इस जगह में। क्यों पॉपुलर है? बिकॉज ऑफ इट्स प्राइम लोकेशन। और यहाँ पे आप देखेंगे कि सब कुछ आपको नियर बाई मिल जाएगा, जैसे कि जो ट्रांसपोर्टेशन की कनेक्टिविटी होती है, सुपर मार्केट होते हैं, हॉस्पिटल्स, और बेसिकली ये इंडस्ट्रियल एरिया है, तो लोगों के ऑफिस जो हैं आसपास रहते हैं, बहुत सारी जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं यहाँ पे। तो एक इंडस्ट्रियल एरिया है, तो इस वजह से भी यहाँ पे लोग रहना प्रेफर करते हैं। तो ये सिटी सेंटर से बेसिकली थोड़ा दूर है, तो ये ट्रैफिक और इन सब चीज़ों से भी थोड़ा सा बच जाता है। तो दोस्तों, ये देखिए, ये हैं साउथ डबलिन के अपार्टमेंट्स। आप यहाँ पर देखेंगे तो सारे शॉपिंग सेंटर्स आपको दिखाई देंगे आस पास ही, और इसके अलावा यहाँ का मेंटेनेंस जो है बहुत ही अच्छा है। मेंटेनेंस बहुत अच्छा है और बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो दोस्तों देखिए, यहीं पे पास में देखिए डीलरशिप दिखाई दे रही है, और यहीं पे रोड है, पास में एक लुअस जाती है, लुअस कनेक्टिविटी भी है, और कंस्ट्रक्शन अभी भी चल रहा है। तो मतलब सब कुछ आसपास होने की वजह से लोग इस जगह पे रहना पसंद करते हैं, तो यही इस जगह की खास बात। चलिए दोस्तों, अंदर आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके के अपार्टमेंट होते हैं यहाँ पे। चलिए मेरे साथ। देखिए, यहाँ के जो अपार्टमेंट्स हैं एक्सेस कंट्रोल्ड हैं, और यहाँ के बिना RFID के आप अंदर नहीं जा सकते। मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए अंदर। तो दोस्तों देखिए, इन अपार्टमेंट्स के ग्राउंड फ्लोर में इस तरीके के लेटर बॉक्स होते हैं। ये देखिए, इधर भी हैं, कुछ उस साइड भी हैं। तो जैसे जो भी हमारा अपार्टमेंट नंबर होगा, ये उसी अपार्टमेंट नंबर यहाँ पे बॉक्सेस में लिखे होंगे, और हम अपना लेटर बॉक्स एक्सेस कर सकते हैं। हमारे पास की होती है। अपार्टमेंट है ये 2 बेडरूम 2 वॉशरूम अपार्टमेंट है, और इसकी कॉस्ट लगभग हमें 2000 यूरो पड़ी, जो कि 2001 एवरेज कॉस्ट है साउथ डबलिन के अपार्टमेंट्स की। मेन गेट से एंटर करते ही राइट साइड में एक छोटा सा कॉर्नर बना हुआ है, जो कि वाटर टैंक है। इसमें हॉट वाटर और कोल्ड वाटर दोनों स्टोरेज होता है, और पूरे घर में जो भी गर्म पानी हम यूज करते हैं वो यही सप्लाई होता है, और एक मोटर भी इसमें इनबिल्ट होती है। और इसके लेफ्ट साइड में एक छोटा सा वॉशरूम है, जो कि हम अक्सर मेहमानों के लिए इसको हमने रखा है। चलते हैं नेक्स्ट रूम की ओर। जैसे कि मैंने बताया कि 2 बेडरूम अपार्टमेंट है, तो चलते हैं पहले बेडरूम की ओर। तो बेसिकली ये एक बेडरूम है, लेकिन हम इसे यूज करते हैं मल्टीमीडिया रूम की तरह, जैसे कि ये एक ऑफिस बनाया हुआ है जो भी काम होता है। और यहाँ पे कबर्ड है, मतलब काफी अच्छा मेरे को ये रूम लगता है। और ये पीछे से कबर्ड है, काफी बड़े कबर्ड है, बहुत सामान आ जाता है इनमें। और ये बैक साइड में देखेंगे पूरे अपार्टमेंट का व्यू दिखाई देता है, थोड़ा सा गार्डन भी है बीच में, तो काफी अच्छा एरिया है। तो ये जो TV है, अभी अभी हमने शिफ्ट किया है, तो अभी ये खोलने का टाइम नहीं हुआ है, अभी से कुछ दिनों में ओपन करेंगे। तो अब चलते हैं लिविंग एरिया की तरफ। आइए, तो इस रूम में जैसे ये लिविंग एरिया है, और उसके अदर साइड जो देखेंगे आप किचन भी है। पहले मैं आपको लिविंग एरिया ही दिखा देती हूँ। इसमें देखिए इस तरीके से बाहर में भी यहाँ पे भी दिखाई देता है, बड़ी सी विंडो भी लगी हुई है यहाँ पे। यहाँ पे जैसे मैंने अपना मेहंदी ये सब रखने के लिए है। हर बंदे का घर में एक बेस्ट एरिया होता है, मेरा ये है। मैं सुबह यहाँ पे बैठती हूँ, चाय लेके अपनी बाहर का व्यू देखती हूँ, सनलाइट अंदर आती है तो बहुत ही अच्छा लगता है मेरे को लाइट रहती। चलिए अब दिखाती हूँ आपको किचन। तो ये किचन का डाइनिंग टेबल है, हम इसमें यूज करते हैं खाने वाने के लिए, और इवन 2 चेयर और लगी हुई है यहाँ पे, मैं तो ज्यादा यूज करती हूँ। तो ये देखिए, तो
देखिए जो बैकग्राउंड का एरिया पूरा दिखाई दे रहा है, ये एक तरीके से पूरी कबर्ड की तरह दिख रहा है, लग रहा होगा कि कबर्ड है। मैं दिखाती हूँ इसमें और भी बहुत कुछ है, जैसे ये फ्रिज हो गया और ये फ्रीजर है, उसी का है पार्ट, और ये देखिए ये वॉशिंग मशीन है, और ये बटनों के स्टैंड है। बहुत ही कॉम्पैक्ट है, मतलब बहुत ही कन्वीनियंट है ये। हम स्टोरेज के लिए, बहुत सारे स्टोरेज के लिए बहुत सारे इस तरीके से स्मॉल स्मॉल रैक्स हमें दिए गए हैं। ये ओवन है पूरा, इसके ऊपर एक और कवर है, बहुत सारे स्टोरेज स्पेस है। उसके अलावा एक अलमीरा भी, देखो इसका एक पार्ट तो पूरा मैगी से ही भरा रहता है, मैगी लवर। तो मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ, ये एक डिश वॉशर है बर्तन वर्तन धोने के लिए। यहाँ पे हमने वही क्लीनिंग का सामान रखा हुआ है। ये छोटे छोटे स्टोरेज एरिया है, पूरे अच्छे से यूज कर लेते हैं। ये माइक्रोवेव ओवन, ये सिंक हो गया छोटा सा यहीं पे कॉर्नर पे, और ये है इलेक्ट्रिक स्टोव। यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों कि जो घर होते हैं ज्यादातर वुड के बने होते हैं, तो लोग इसी को प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू गैस, सूट करते हैं घर यहाँ के लकड़ी के बने घरों को। तो दोस्तों जैसे आपको पता ही होगा कि आयरलैंड बहुत ही ठंडी जगह है, ठंडी कंट्री है, तो यहाँ पे अक्सर आप देखेंगे चाहे जैसे फ्लोर है या वॉल है, ये सारी वुड की बनी रहती है। ये देखो आपको आवाज से पता चल जाएगा, मैंने आपको पिछले अपार्टमेंट में भी अपने दिखाया था। यहाँ पे ज्यादातर घरों का स्ट्रक्चर चाहे अपार्टमेंट हो चाहे घर हो इसी तरीके का रहता है। जो यहाँ के घर है इनका इंसुलेशन बहुत ही अच्छा रहता है, और अगर टेम्परेचर की बात करें तो बाहर के टेम्परेचर से अंदर जो घर के अंदर का टेम्परेचर है 5-10 डिग्री ऊपर ही रहता है, यानी ज्यादा रहता है। इतना अच्छा इंसुलेशन होने के बाद भी फिर भी यहाँ इतना ठंडा है कि हीटर्स की जरूरत पड़ती है, स्पेशली विंटर्स में, विंटर्स यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर, हर घर में आपको हीटर भी जरूर मिलेंगे। हीटिंग एलिमेंट होते हैं वो या तो गैस, ऑयल या इलेक्ट्रिक होते हैं। हमारे घर में जो है गैस हीटर है, मैं आपको दिखाती हूँ गैस बॉयलर कैसा होता है। देखिए ये भी इस तरीके से होता है, हमारे घर में आपको मिल जाएगा। ये छोटा सा आपको दिखाई दे रहा होगा वॉल पे, तो ये है कार्बन मोनोऑक्साइड अलार्म। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड रूम पे ज्यादा हो जाता है तो ये बीप करने लगता है, बजने लगता है, फिर उसके लिए हमको विंडो खोलनी पड़ती है। और ये जो ऊपर दिखाई दे रहा है ये है स्मोक अलार्म, स्मोक ज्यादा होने के केस में ये ज्यादा तभी ये बीप करता है। चलिए चलते हैं अगले बेडरूम की तरफ। देखिए ये छोटा सा बेडरूम है यहाँ पे, और इस पे भी दो कबर्ड दिए हुए हैं, काफी स्टोरेज काफी अच्छा है यहाँ पे। और इसके साथ ही एक बालकनी भी अटैच है, इसका व्यू बहुत ही अच्छा है। हम लोग कभी चाय वाय लेके बाहर चले जाते हैं अच्छा मौसम होने पे, और व्यू देखिए कितना अच्छा है बैकग्राउंड में। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसी से अटैच वॉशरूम, इसी को हम अपने पर्सनल यूज के लिए ज्यादा यूज करते हैं। देखिए ये काफी बड़ा है, और यहीं पे सब कुछ मेकअप वेकअप बार बार जो भी है सब रखा हुआ है। तो इसमें भी काफी स्टोरेज स्पेस, सब जगह स्टोरेज स्पेस काफी अच्छा दिया हुआ है, बहुत सामान रखने के लिए हमारा सही रहता है। बाहर तो चलिए दोस्तों आपको पार्किंग दिखाते हैं। एक कार पार्किंग भी अलॉट की जाएगी जो कि अंडरग्राउंड होती है, और इस जो आपके व्हीकल की एंट्री और एग्जिट है वो RFID टैग के थ्रू होती है, जो कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था, अपार्टमेंट एक्सेस करने के लिए भी यूज होता है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ वेस्ट डिस्पोजल एरिया, और भी बीच में कुछ अपार्टमेंट की और जाते जाते कुछ दिखेगा तो दिखाती हूँ। चलिए यहाँ पे स्टोर हो जाता है, जो ये फूड वेस्ट, अगर आपके पास कोई फूड वेस्ट है तो आप इसमें डालेंगे। ये है आपके ग्लास वेस्ट, जो कि कार पीछे जो भी होती है वो इसी में ही डालते हैं पर्टिकुलरली। और ये है जनरल वेस्ट, ये इसका भी सेम ही है, यहाँ पे आप डालते हैं और फिर बाहर जाके बाहर से स्टोर करते हैं। देखिए दोस्तों हर अपार्टमेंट के गैस और इलेक्ट्रिसिटी जो मीटर्स होते हैं वो इस तरीके से बेसमेंट में आपको मिलेंगे। अगर आपको अपने अपार्टमेंट की रीडिंग देखनी है तो आप यहाँ आएंगे और चेक कर सकते हैं।
देखिए ये है कॉमन एरिया इन अपार्टमेंट्स का, और जैसे गेट से बाहर निकलते ही देखिए अगर आपको बैंक मिल जाए और यहीं पे होटल मिल जाए खाने पीने की चीज़ें, और ये सिटिंग एरिया है, यहाँ पे शॉपिंग सेंटर्स हैं, तो सब कुछ आसपास ही है। मतलब आप अपनी कॉफ़ी टी लेके यहाँ पे आराम से रिलैक्स होकर बैठ सकते हैं, बाहर वेदर का मज़ा ले सकते हैं, तो बहुत अच्छा एरिया है। और जैसे देखेंगे कि बच्चे भी यहाँ पे खेल रहे हैं आसपास निश्चिंत होकर, तो एक तरीके से अच्छा एटमॉस्फेयर है फैमिलीज के लिए भी। ग्रीनरी है इस तरीके का अपार्टमेंट में, और यहाँ पे जो पीछे ये ऑफिस है अगर किसी का पार्सल आता है तो वो यहाँ से रिसीव कर लेता है। बाकी बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर यहाँ पे। पार्सल लॉकर्स भी यहाँ पे हैं, यहाँ पे से आप अपने पार्सल्स कलेक्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से इनका रेंट हाई रहता है एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेस इन डबलिन। और इसके अलावा सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत अच्छा है। तो आई होप कि आपको ये हाउस टूर पसंद आया होगा, और अगर आपको घर से रिलेटेड कोई क्वेरीज करनी है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं या मेल भी कर सकते हैं, मुझे आते हैं बहुत सारे मेल और मैं सभी को रिप्लाई देती हूँ। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर।